कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ये लास्ट वीक जो था वो काफ़ी शॉर्टर पीरियड वीक था, क्योंकि इंटरनेशनल में भी हमने गुड फ्राइडे की छुट्टी देखी, डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने महावीर जयंती और साथ में गुड फ्राइडे की छुट्टी के चलते प्राइजेस के अंदर कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। बट डिस्पाइट डैट, अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर समीक्षा करें तो देखा जाता है कि सोने में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी, चांदी में भी हमने एक अच्छी खासा प्राइस मूव आते हुए देखा। इससे पहले के हफ्तों में हमने देखा था कि यूएस से डेटा पॉइंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर में भी उछाल है और गोल्ड पे हायर साइड पे कैप बना हुआ था। बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ये कहीं ना कहीं एक हर्डल दिखाई दे रहा है जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 52,200 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, और प्राइजेस ने 52,200 का लेवल तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 53,200 तक का लेवल दिखा सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ने एक अच्छा खासा उछाल ले चुका है। नाउ नया रजिस्ट्रेंट जो बन गया है वो 53,200 का बन चुका है, और 53,200 के ऊपर प्राइजेस 54,000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइजेस वीकली बेस पे 1950 का लेवल तोड़ के होल्ड कर चुका है, जो हमें लगता है 2020 से 2040 तक का अगला लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में, फिजिकल मार्केट में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बाइंग में प्रीमियम्स बढ़ने चालू हुए हैं। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है, जिसकी वजह से सोने में सेफ हेवन बाइंग बना हुआ है। कोरोना का कंसर्न जो चाइना में बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। खाली कंसर्न कुछ बॉन्ड यील्ड्स को लेकर बोल सकते हैं, या डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर आ चुका है, ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग है या अपसाइड को कैप कर रहा है। बट डिस्पाइट डेट, हमें लगता है कि सोना 2040 या 54,200 का लेवल अगले हफ्ते में दिखा सकता है। वहीं चांदी की भी बात करें तो वॉलिटिटी काफ़ी अच्छी रही है चांदी। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस अब 26 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने जिस ढंग से स्ट्रांग रिकवरी देखी है, ये कहीं ना कहीं 70,000 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट बन रहा है साइकोलॉजिकली, और तोड़कर 72,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जिस ढंग से हमने बेस मेटल में रैली देखी है, कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉम की रणनीति बना के चलिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी में सोना चांदी तेज लग रहा है। वहीं एनर्जी पैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्रूड में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखा, करीबन 7 से 8% का। नेचुरल गैस में भी डबल डिजिट के गेंस बनते हुए देखे। पहला आप चीज़ समझिए कि रशिया और यूक्रेन के कंसर्न की वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइजेस प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते हमने नेचुरल गैस और क्रूड में तेजी बनते हुए देखी। नो डाउट IEA, US, इन सब ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट में ओपन अप करने की बात की थी, जिसके बाद प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। बट ये टेम्पररी था, कोरोना के कंसर्न्स की वजह से भी एक डिमांड में सेट ऑफ आ सकता है, जिसका कंसर्न था, जिसके तहत हमने प्राइजेस को 98-99 के लेवल ब्रेंट को आते हुए जरूर देखा। बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल में डिमांड अब आगे जाके बढ़ेगी और सप्लाई कंसर्न्स बने हुए, क्योंकि अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो US के भी जो प्रोडक्शन है वो इमिडिएटली नहीं बढ़ सकते। ईरान, वेनेजुला, इराक, यहाँ पे भी हमने देखे जो कंसर्न्स और डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, ये इतनी इजीली रशिया को रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड रशिया हैज आस्क्ड फॉर पेमेंट इन रूबल और गोल्ड, जिसकी वजह से भी एक मार्केट के अंदर सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मोमेंटम एग्रेसिव होता है, बिकॉज ऊंचे भाव की वजह से डिमांड हैम्पर होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। बट इन सभी को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस एक ब्रॉडर रेंज 7200 से 8300 की रेंज में MCX क्रूड में ट्रेड होता रहेगा, जबकि इंटरनेशनल में हमें लगता है अब 118 का नया रेजिस्टेंट बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने एक काफ़ी बड़ा जंप आते हुए देखा है। प्राइजेस अगर 470 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करते हैं तो हमें लगता है 540 तक के भी लेवल दिखा देंगे, क्योंकि यूरोपियन नेशंस के अंदर हमने देखा कि कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेचुरल गैस और क्रूड में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अभी भी, अनलेस अंटिल कोई कंफर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है। लास्ट अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने जिंक में आउट परफॉर्मेंस होता हुआ देखा, वहीं एल्यूमिनियम में अंडर परफॉर्मेंस। कॉपर स्टेबल है,
जो हमें लगता है कि 810 से लेकर 830 के एक ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड करेगा। चाइना मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज के चलते डिमांड प्रभावित हुई है, बट साथ में सप्लाई में भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इन ऑल प्राइजेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। चाइना ने जो रेट कट की है या इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल के कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। ओवरऑल एल्यूमिनियम में हमने देखा कि पावर क्राइसिस की वजह से तेजी बनी थी, थोड़ा बहुत हमने पुलबैक जरूर देखा है, बट अभी भी एल्यूमिनियम में पैकेजिंग इंडस्ट्री से डिमांड है वो आगे जाके बढ़ती हुई दिखाई देगी। बॉक्साइट के भी एक्सपोर्ट में बैन है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट टेम्प्रेरी थोड़ा पुलबैक है। जिंक की बात करें तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री से भी डिमांड बढ़ी है और साथ में इन्वेंट्री लोअर लेवल पे होने की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल बेस मेटल के अंदर सिलेक्शन लेके काम कीजिए, जहाँ पे जिंक अभी भी अच्छा लगता है। लेड एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बट बड़ा ब्रेकआउट 190 के ऊपर क्लोजिंग पे ही आएगा, अदरवाइज 180-190 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। ट्रेंड वाइज देखा जाए तो जिंक सबसे अच्छा लगता है और एल्यूमिनियम थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद बाइंग के लिए अच्छा मौका दे सकता है। धन्यवाद। शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।